वर्ल्ड्स अमेजिंग स्ट्रेंज थिंग्स। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी एक साल तक भारत ही पाकिस्तान के करेंसी नोट्स प्रिंट करता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं था। तब पाकिस्तान के नोट्स के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ होता था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बीच में लिखा हुआ होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका के टेनेसी ज़ू में हाल ही में 31 जुलाई को ये दुनिया का एकलौता जिराफ पैदा हुआ, जिसके शरीर पर कोई स्पॉट्स या पैटर्न्स नहीं है जैसे जिराफ के शरीर पर होते हैं। इस तरह का जिराफ पैदा होना एक अजीब और अनोखी घटना है। 1996 में शाहिद आफरीदी ने 37 बॉल्स में जो सबसे तेज सेंचुरी बनाई थी वो सचिन तेंदुलकर की बैट से बनाई थी। हालांकि आफरीदी को वो बैट सचिन ने नहीं दी थी, सचिन ने वो बैट वकार यूनिस को दी थी, क्योंकि पाकिस्तान के सियालकोट के दुकान से सचिन को अपनी बैट के जैसी और एक बैट बनानी थी। लेकिन जब शाहिद आफरीदी उस दिन बैटिंग के लिए जा रहे थे तब वकार यूनिस ने वो बैट शाहिद आफरीदी को दे दी। ये है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। ये खास तरीके के बादल होते हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखे जा सकते हैं। इस तरह के बादल दिखने के लिए खास तरीके का वातावरण होना जरूरी है। इस पेड़ से वाटरफॉल की तरह पानी गिर रहा है, ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। जब तेज बारिश होने से जमीन के नीचे के झरने भर जाते हैं तब जमीन के अंदर का पानी ऊपर आकर पेड़ के ट्रंक यानी तने में जमा होकर बहने लगता है। ये है वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन, दुनिया का सबसे गंदा आदमी। इनका नाम है अमाओ हाजी। ये 60 साल से नहाए नहीं थे। ईरान के रहने वाले अमाओ हाजी सड़ा हुआ खाना और गंदा पानी पीते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो नहाए तो वो बीमार पड़ जाएंगे। फिर कुछ ही महीने पहले उनके गांव के लोगों ने उन्हें नहाने के लिए मनाया और उसके बाद उनका डर सच साबित हुआ, क्योंकि नहाने के कुछ ही दिनों बाद 94 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वॉशिंगटन के वैशन आइलैंड पर ये पेड़ है जिसके अंदर ये साइकिल घुस गई है। हेलन पर्स नाम की महिला का कहना है कि ये साइकिल उसके लड़के की है। 1954 में उसका 8 साल का लड़का ये साइकिल चला रहा था और उस आइलैंड पर उसकी साइकिल खो गई थी। जब 50-60 सालों बाद इस पेड़ में घुसी साइकिल की खबर अखबार में आई तब हेलन पर्स ने उस साइकिल को पहचाना। लेकिन ये साइकिल पेड़ में कैसे घुस गई, ये एक मिस्ट्री है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का असली रंग ग्रीन नहीं है, असल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बना है, इसलिए शुरू में वो तांबे के रंग का ही था। लेकिन कॉपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज हो जाता है और हरे रंग का दिखने लगता है। इस वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का हो गया। 70 साल से पॉल अलेक्जेंडर इस मशीन के अंदर है। पॉल अलेक्जेंडर को 1952 में पोलियो हुआ था और उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, इसलिए उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके बाद उन्हें इस आयन लंग नाम के मशीन में रखा गया जो एक तरह का वेंटिलेटर है जिससे मरीज को सांस लेने में मदद मिलती है। पॉल अलेक्जेंडर 1952 से लेकर 2023 तक इस मशीन के अंदर है और मशीन के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लॉ की डिग्री हासिल की और वो वकील के तौर पर भी काम करते हैं। ये है एरोजेल, जिसे फ्रोजन स्मोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 99.8% हवा होती है। ये दुनिया का ऐसा सॉलिड पदार्थ है जो सबसे हल्का है लेकिन मजबूत है। एरोजेल को सिर्फ लैब में बनाया जा सकता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट से किसी भी चीज़ को बचाने के लिए एरोजेल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्पेस सूट्स में या घरों की दीवारों में। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान वाला रेगिस्तान का इलाका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा डेजर्ट में बर्फ़ गिरती है? हालांकि सहारा डेजर्ट में बर्फ़ पड़ना आम बात नहीं है, पिछले 40 साल में सिर्फ 5 बार यहां पर बर्फ़ गिरी है। कैलिफोर्निया में मौजूद दी सेंटेनियल लाइट दुनिया का सबसे ज़्यादा समय तक जलने वाला बल्ब है। ये बल्ब 1901 से जल रहा है और इसे कभी भी बंद नहीं किया गया है।